जनता के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण नीमच के बंगला नंबर 60 पुरानी नगर पालिका में कबाड़ हो रही लाखों की मशीनों से लगाया जा सकता है। दरअसल नगर पालिका नीमच द्वारा शहर की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सालों पहले जेसीबी, पानी टैंक, ट्रैक्टर जैसी कई नई मशीनें और वाहन खरीदे गए थे, मगर आज आलम यह है कि सब चीजें पुरानी नगर पालिका में कबाड़ बनकर रह गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद योगेश प्रजापति का आरोप है कि नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही और कमीशन खोरी के चलते यह लाखों की मशीनें कबाड़ हो रही हैं, सड़ रही हैं, मगर इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यदि नगर पालिका इस ओर ध्यान दे तो कुछ मशीनें थोड़े से रिपेयर होने के बाद पुनः चल सकती हैं। वहीं मामले में नगर पालिका के जिम्मेदारों का कहना है कि नीलामी के शिकायतों के चलते नीलामी नहीं हो पा रही है, इसकी समिति बनाकर नीलामी की जाएगी। कोई भी कबाड़ा विक्रय करने में कई प्रकार की शिकायतें पैदा होती है। इसकी स्थिति के लिए को देखते हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस काम को हाथ में नहीं लेता है। संभवतः जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के कबाड़ा नीलामी हुई तो वहाँ शिकायतों की और लोकायुक्त तक प्रकरण प्रचलित हुए हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है कि इसके लिए एक समिति बने और समिति ये डिसाइड करेगी ये सामग्री हमको विक्रय करना है और उसकी फिर वो प्रशासन की स्वीकृति मिले और उसके फिर नीलामी की बोली लगे या ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जा सके, उसी आधार पर इसकी विक्रय की कार्रवाई सक्षम स्वीकृति के उपरांत की जा सकती है। ऐसी अभी शिकायतों को देखते हुए ये है कि इसमें नीलामी कुछ होती है और कुछ और सामान की एंट्री कर देती है या ऐसी कई प्रकार की शिकायतें होती है, इस कारण ये प्रक्रिया में काफ़ी समय तक रहता है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं रहता। 2017-18 में नीलामी की कार्रवाई की थी और नीलामी की बोली भी लगी और उसकी बोली पर पर्याप्त बोली आई थी, जो परिषद के समक्ष रखा तो परिषद ने उसको एक तरफा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद इस प्रक्रिया में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं इस आपके माध्यम से या तो परिषद की तरफ से या प्रशासक महोदय की तरफ से एक समिति गठित की जाए और समिति गठन करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ये सामग्री विक्रय की जाना है और उसकी फिर विक्रय की नीलामी की कार्रवाई लगे तो भी संभव हो सकता। अभी इसके लिए तो स्टोर कीपर को रिपोर्ट करना चाहिए। अभी स्टोर कीपर के संज्ञान में एक बार मैं प्रकरण लाता हूँ कि क्या क्या कबाड़ा है उसकी सूची बना के पेश करें ताकि सक्षम स्वीकृति तो या समिति की गठन तो विचार किया जा सके। नगर पालिका के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नगर पालिका में करोड़ों रुपये की बेशकीमती वाहन सामग्री जो पड़ी है उसको आज तक नीलाम नहीं किया गया और वो बारिश के महीने में सड़ती रहती है, उसकी कोई देखभाल नहीं है। जबकि ना नगर पालिका ने पूर्व परिषद के अंदर टीन शेड बनाया था जो लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे भी शेड के अंदर नहीं रखा गया, वहीं पे पानी के अंदर भीगते रहते हैं, कई बार उनकी चोरी हो जाती है, कई सामग्रियाँ उनमें से चोर ले जाते हैं जिसमें भी नगर पालिका अधिकारियों की मिली भगत है। तो नगर पालिका के अधिकारियों की मिली भगत और भ्रष्टाचार के कारण नगर पालिका इसकी नीलामी नहीं करती है और इनको पैसों की बंदरबाड़ की वजह से इसका नीलाम नहीं हो पा रही, जिसके कारण करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन बेशकीमती ये वाहन जो है ये सड़ रहे हैं। नहीं, नगर पालिका में हर सामग्री कहीं ना कहीं उपयोग की होती है, लेकिन जो पुरानी सामग्री हो चुकी है और जिसको जो व्यर्थ हो चुकी है जिसको नीलाम करना चाहिए उसकी नीलामी नहीं हो रही है, वो सामग्री ऐसी पड़ी हुई है और बारिश के अंदर सड़ रही है, उसका नगर पालिका के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि उसको समय पर नीलाम करें और नगर पालिका को उसका पैसा जो आए वो आम जनता के उपयोग में खर्च हो। जिलाधीश को तो संज्ञान में लेना ही चाहिए, उसके अलावा जो जिसकी गलती है इस पर CMO और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरह से नगर पालिका जनता जो अपने टैक्स से करोड़ों रुपए की का टैक्स भरती है जिससे नगर पालिका इस तरह के वाहन खरीदती है और उनके जनता के पैसों का किस तरह से नगर पालिका के अधिकारी दुरुपयोग करते हैं। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के नीमच से मनोज मेड़ा की रिपोर्ट।